Now, Sri Parimal Nathwani. Thank you, Chairman Sir. आज झारखंड के बजट के बारे में और झारखंड के राष्ट्रपति शासन के बारे में मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं सदन का आभारी हूँ। सर, झारखंड में रेगुलर मैं अपना ट्रिप करता हूँ, मैं देखता हूँ कि लोग इतने बेहाल है और इतने दुखी है कि झारखंड के अंदर जो सब लोग ने कहा उस बात से भी मैं जुड़ता हूँ कि राष्ट्रपति शासन को नाबूद करके फ्रेश इलेक्शन कराने की अनाउंसमेंट होनी चाहिए, क्योंकि लोगों को अभी तक पता नहीं चलता है कि ये इलेक्शन क्यों अनाउंस नहीं हो रहे हैं और किस मोटिव से ये हंग असेंबली कंटिन्यू हो रही है। सर, जब फरवरी में राष्ट्रपति शासन हुआ था उस वक्त लगता था कि जरूर अच्छा गवर्नेंस बनेगा और हमें भी उम्मीद रखी थी कि गवर्नर साहब के रूल में बेटर झारखंड का एक निर्माण होगा, किंतु हमें कहते हुए ये खेद हो रहा है कि राष्ट्रपति शासन यानी कि गवर्नर रूल के अंदर लोगों की जो उम्मीदें थी वो परिपूर्ण नहीं हुई है और झारखंड का जो हाल है ये बात को साबित करता है कि कैबिनेट सेक्रेटरी की 15 सीनियर आदमियों की टीम सर 2 बार झारखंड का दौरा किया, उनके बावजूद भी वहाँ पे कोई सुधार प्रशासन में नहीं हुआ है। तो झारखंड में सर राष्ट्रपति शासन को उठा के इलेक्शन का अनाउंस होगा तो लोगों में काफ़ी अच्छा प्रतिभाव होगा और उम्मीदें बढ़ेगी कि अच्छा गुड गवर्नेंस होने वाला है। सर, अब मैं सर बजट के बारे में कहूँगा। राजस्व स्थिति जो है 2009 और 2010 में रेवेन्यू रिसिप्ट वॉज 558 करोड़ रुपये की कमी दर्शाई गई है, क्योंकि ये ओरिजिनल अनुदान सहायता में कमी है सर। बट टोटल प्लांट एक्सपेंडिचर जो है 9555 करोड़ का सर, और उसमें 185 करोड़ अधिक बताया गया है, इस बात की खुशी है। किंतु सर कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए सिर्फ 41% ही एलोकेशन है, बाकी जो है वो मेरे ख्याल से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए है। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए कुछ रेवेन्यू बढ़ाई जाती थी तो जो पिछड़ा हुआ झारखंड है, जो राज्य है जिसमें काफ़ी डेवलपमेंट का गुंजाइश है, उस पर हम काफ़ी फोकस कर सकते थे, क्योंकि 41% ही है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। तो मेरा अनुरोध है सदन को और मंत्री जी को कि इसकी कैपिटल एक्सपेंडिचर की रेवेन्यू बढ़ाई जाए। और हाल ही में सर रेल मंत्री ने भी बजट पेश किया था, तो जैसे झारखंड उनके मैप में था ही नहीं तो हमें बड़ा खेद हो रहा है। सर, दिल्ली और रांची के बीच में सिर्फ एक राजधानी एक्सप्रेस चलती है, वो भी 3 दिन के लिए, और इस ट्रेन की सर हम हालत देखें तो एकदम बिस्मार और जर्जरित हालत में वो ट्रेन चल रही है, वो 3 दिन ही चलती है। तो एक नई रेक लगा के झारखंड के लिए सर 6 दिन के लिए एक नई राजधानी एक्सप्रेस होगी तो झारखंड की जनता का सर सम्मान होगा। और रांची से बॉम्बे जाने के लिए भी सर सिर्फ 2 ही ट्रेन है, तो क्या बॉम्बे इतना बड़ा कैपिटल होने के नाते रेल को किस चीज़ की कमी है जो बम्बई के लिए एवरीडे ट्रेन नहीं है? तो इस ट्रेन का भी निर्माण होना चाहिए। और ऊपर से सर झारखंड के बजट में मैं दूसरा कहना चाहूँगा कि बंगलुरु और हैदराबाद जाने के लिए सर लोगों को कलकत्ता और दिल्ली तक जाना पड़ता है, उनके विद्यार्थी कलकत्ता और बेंगलोर में पढ़ते हैं, तो ये बजट में उनका भी कोई समावेश नहीं किया गया है, तो इसके पे भी ध्यान देना चाहिए सर। अब मैं सर कहूँगा ड्राउट के बारे में। झारखंड में सर एवरेज 1200 मिलीलीटर बारिश होती है और उनका जो पानी है वो अरबी समुद्र, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में चला जाता है। वहाँ सर बड़े मात्रा पे चेक डैम, जो महाराष्ट्र और गुजरात में जो स्कीम बनी है चेक डैम की, सेल्फ चेक डैम की, अगर ऐसी चेक डैम बनते हैं लाखों की संख्या में तो मैं मानता हूँ कि सर ग्राउंड लेवल का वाटर कैपेसिटी भी विलेज में ज़्यादा आएगा और लोगों को पीने की पानी की सुविधा भी होगी और लोकल इरीगेशन भी सर हो सकता है, क्योंकि चेक डैम वहाँ बनते ज़रूर है बट वो कागज़ पे है। सर, मैंने खुद दौरा किया है, मैं MP लेड फंड खर्च करने से पहले मेरी ऑफिस के जरिए मैं पूरा एरिया के अंदर घूमा था, तो हमें देख के बड़ा दुख होता है कि किस तरह के चेक डैम्स कुछ बने हुए हैं टूटे फूटे। जो महाराष्ट्र और गुजरात की जो पैटर्न है ऐसा कोई चेक डैम्स झारखंड में नहीं है। हालांकि सबसे ज़्यादा बारिश होने के बावजूद भी झारखंड की जनता बिना पानी के जीती है।
और सर मैं जमशेदपुर गया था तो जमशेदपुर में भी मैंने देखा कि जहां टाटा की एरिया ख़त्म हो जाती है उसके बाद आदिवासी बेचारे ट्राइबल्स 15 और 20 25 रुपया में सर 15 लीटर का पानी लेते हैं। तो हम कब तक बात करेंगे गुड गवर्नेंस की और अच्छे देश के लिए, तो पीने का पानी गाँवों तक नहीं पहुँचता है। तो मेरी बार बार यही गुजारिश होगी कि सर चेक डैम के लिए स्पेशल एलोकेशन होना चाहिए। सर गुजरात और महाराष्ट्र में एक स्कीम है कि 30% अगर गांव वाले देते हैं तो 70% गवर्नमेंट देती है और एक चेक डैम बनता है। तो हमारे गुजरात और महाराष्ट्र का जो मॉडल है सर वो झारखंड को दिया जाना चाहिए, ऐसे ही मेरा अनुरोध है। और इरीगेशन लेवल जो सर है केवल 9% लैंड है वो इरीगेशन में कवर होती है सर, ओनली 9%, तो उसको भी बढ़ावा होना चाहिए क्योंकि उनकी जो ट्राइबल की जनसंख्या है 26% है और वो ग्रामीण इलाके में रहते हैं और उनकी जो लैंड है सर वो लेवल नहीं है, पहाड़ियों पे है, ढलान पे है, तो पूरा एग्रीकल्चर कर नहीं सकते हैं सर। तो उनके लिए हर बार सूखा का सामना करना पड़ता है। तो मेरा सर आपको ये अनुरोध है कि एग्रीकल्चर सिक्योरिटी के लिए भी सर वहाँ कुछ करना चाहिए। औद्योगिक पिछड़ापन सर, जहाँ अभी बहुत लोगों ने बताया कि काफ़ी MOUs हुए हैं और MOUs को कोई कन्वर्जन नहीं हुआ है। इंडस्ट्री के बिना सर रोजगारी नहीं होगी, और रोजगारी नहीं क्यों हो रही है कि लोग MOU करके भग गए, डर गए हैं सर। इसलिए डर गए हैं कि एक तो वहाँ नक्सलाइज है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, लैंड एक्विजिशन पॉलिसी नहीं है। तो जहाँ औद्योगिकरण सर इतने कोयले है, इतनी हमारी मिनरल रिसोर्सेज होते हुए भी सर मुझे कहने पे ये बड़ा दुख होता है कि वहाँ पावर की कितनी कमी है और लोग किस तरह से जीते हैं सर। तो इतने मिनरल के रिसोर्सेज होने के बावजूद भी सर हम झारखंड को आज तक कोई नया पावर प्लांट लास्ट सर 20 साल में हम नहीं दे पाए हैं। और राजीव गांधी बिजलीकरण की योजना का भी वहाँ पर मैं जहाँ तक मेरे पास फिगर्स है वो काफ़ी सेटिस्फेक्शन नहीं है सर। और इसीलिए सर मैं कहूँगा कि राज्यों में 32,000 गाँवों में से 18,000 गाँवों में सर आज भी बिजली नहीं है। तो 18,000 गाँव बहुत बड़े होते हैं सर, वहाँ बिजली नहीं है। शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में सर मैं कहूँगा कि हेल्थ सेंटर भी बहुत कम है, गाँवों के अंदर पिछड़ापन है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर 193 है खाली, हेल्थ प्राइमरी रेफरल हॉस्पिटल 37 है, 22 जिला स्तर का हॉस्पिटल है, उसको भी सर बढ़ावा होना चाहिए। और अभी जहां रखा हुआ है कि 4,462 हेल्थ सब सेंटर होने वाले हैं सर, ये एक आशा जरूर है परंतु ये उम्मीद पूर्ण नहीं होगी सर। जब तक मेडिकल कॉलेज मेडिकल हॉस्पिटल नहीं बढ़ेगी तब तक झारखंड के अंदर सर मैं मानता हूँ कि 150 से 200 किलोमीटर अगर हम जाते हैं तो वहाँ एक्सरे सोनोग्राफी और कार्डियोग्राम की सुविधा भी नहीं है। तो सर इसके ऊपर हमें ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा सर सड़कें भी जो है वो 8,000 किलोमीटर की सड़कें हैं जो बिस्मार हालत में है सर, या तो उनको सर मुझे 3 मिनट चाहिए सर प्लीज़। दूसरा सर नक्सल हिंसा पे मैं आता हूँ, रोड की बात मैं छोड़ देता हूँ कि 8,000 किलोमीटर के रोड बनाने की आवश्यकता है। झारखंड में सर नक्सलाइज 20 जिले में गिरफ्त में है वो सभी जानते हैं, उसमें कोई नई बात अभी नहीं रही है सर। मेरा जब होम मिनिस्टर यहाँ पे मौजूद हैं तो मेरा कहना यही है कि ये नक्सलाइज क्यों है सर, गरीबी रेखा के नीचे हैं, वेस्ट बंगाल से कुछ लोग आके उनको भड़काते हैं, उनके लिए सर एक हीलिंग प्रोसेस नहीं हो रही है। हम बुलेट से उनको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, जैसे एक बार आंध्र प्रदेश में हुआ था कि एक हीलिंग प्रोसेस भी शुरू हुई थी। जब तक हम गोली से मारने की बात करेंगे तो ये कभी भी बंद नहीं होने वाला है सर। नक्सलाइज का होना जयप्रकाश नारायण जी के टाइम में सर मैं याद कराऊंगा कि चंबल के डाकुओं को जिस तरह से आत्मसमर्पण कराया गया था और चंबल के डाकुओं को मुख्य धारा में लाया गया था सर, उसी तरह से नक्सलाइज को मुख्य धारा में लाने के लिए, क्योंकि ये ट्राइबल्स हैं पढ़े लिखे नहीं है, उनको कुछ लोग भड़का के उसके साथ गुंडे भी मिल गए हैं और हम नक्सलाइज करते हैं। बट सच्चे तौर पे सर उसका जो उनके ऊपर वर्क होना चाहिए हीलिंग प्रोसेस के लिए, कोर ग्रुप सर होम मिनिस्टर जी यहाँ मौजूद हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि एक अच्छी टीम बना के एक हीलिंग प्रोसेस अगर करते हैं तो नक्सलाइज हम काफ़ी मात्रा में चैन पा सकेंगे सर। और अच्छे NGO भी वहाँ पे, झारखंड के प्रत्येक सरकारी ऑफिसों में भी सर काफ़ी रिक्रूटमेंट नहीं हो रहे हैं, उनकी प्रोसेस होकर रुक गया है। पुलिस दल के अंदर भी सर 8,000 कांस्टेबल की जगह खाली है, तो उनका मॉरल बढ़ाने के लिए भी सर हमको
पुलिस दल को अपग्रेड करने का जो होम मिनिस्टर जी ने प्रस्ताव अभी लाए हैं उससे काफ़ी सुकून मिलेगा। पर मेरा इतना ही कहना है सर कि झारखंड को हर क्षेत्र के अंदर सर प्रायोरिटी देनी चाहिए, तभी झारखंड का लोगों का जो विश्वास टूट गया है और आज जो झारखंड की दयाजन स्थिति है उसमें से हम बाहर निकलेंगे। मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ सर, धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर मोटवानी जी।